my YouTube channel SLP Classes. Guys, today we are going to do some questions based on what is stream part 4 in quantitative aptitude for SSC banking. But before starting this video, I wanted to say something about my YouTube channel SLP Classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram and my Facebook group. अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइस, आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन वन, अ मैन रोज एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। ओके, स्टील वाटर की बात कर रहा है। टू अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन अ रिवर विच फ्लोज एट 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर टोटल जर्नी। यानी टोटल उसको आने जाने में जितना लगा उसका एवरेज निकालना है। ठीक है, समझ में आया। और किलोमीटर पर आवर में, तो उसको फिगर से समझते हैं गाइस। बोट है, इसमें एक बोट में ले, ठीक है, बोट को रो कर रहा है। ये स्टील वाटर है, स्टील वाटर। ओके, समझ में आया गाइस। इसकी स्पीड क्या दी हुई है, 10 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टील वॉटर टू अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इट मीन्स यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ओके, और यहाँ पर उसने एंड किया। ठीक है, समझ में आया। तो बैक आ रहा है टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से वो फिर बैक आ रहा है। तो इन अ पॉइंट रिवर विच फ्लोज, यहाँ पर रिवर की बात कर रहा है। रिवर यानी स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड कितनी दी है, 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका करंट का स्पीड हो गया। ठीक है, फ्लो मीन्स, समझ आया, यानी धारा कितना है आपका, 4 किलोमीटर पर आ रहे। ओके, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर टोटल जर्नी। ठीक है, पूरा कितना मिला के होगा, उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, जल्दी जल्दी देखते हैं। यहाँ पर होगा एवरेज, हमेशा क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड स्क्वायर टू डी एस मल्टीप्लाई बाय यूएस डिवाइडेड बाय स्टील वाटर, स्टील वाटर। ठीक है, स्टील वाटर को एक्स ले लीजिए। तो यहाँ पर डीएस का क्या फॉर्मूला होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पर जो है स्टील वाटर, स्टील वाटर को एक्स मैंने लिया है। ठीक है, स्टील वाटर एक्स प्लस, और यहाँ पर करंट को वाई ले लीजिए, इसको वाई ले लीजिए और इसको एक्स ले लीजिए। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड यानी जो धारा की स्पीड है वो है 4 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वाई करेंगे, ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम का। फिर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस वाई, क्योंकि अप स्ट्रीम में क्या होता है कि धारा और जो नाव होता है वो दोनों विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, समझ में आया। तो इसीलिए उसको माइनस करते हैं और इसको डाउन स्ट्रीम को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करनी है। 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10, 14, 6, 10। इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ 10 लिख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो 14 × 6 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 10, ये जीरो हटाएंगे यहाँ से, तो 8.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका आंसर। इट मीन्स टोटल जर्नी कितनी आ गई, 8.4, यानी ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे आके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन गोज अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर इन 15 मिनट। ठीक है, यहाँ पर मिनट है, आर नहीं दिया है, एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट इन 12 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पर क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द करंट निकालना है। लेकिन क्या दिया है, यहाँ पर पहले फिगर समझते हैं। ये बोट है, यहाँ पर बोटमैन बैठा है, ये रो कर रहा है बोट को। ठीक है, अप स्ट्रीम यानी फ्लो तो इस डायरेक्शन में है और बोट इस डायरेक्शन में है, तभी तो ये अप स्ट्रीम हुआ। अप स्ट्रीम जो विपरीत दिशा में जाता है वो अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, 6 किलोमीटर 15 मिनट में। ठीक है, समझ में आया।
एंड रिटर्न टू द सेम पॉइंट, यहां से उसने स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है, और यहां पर एंड किया उसने, एंड किया, फिर उसी डायरेक्शन में आ रहा है, मान लीजिए फ्लो इस डायरेक्शन में है ठीक है, और बोट का दिशा इस डायरेक्शन में, दोनों विपरीत कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, विपरीत यानी अगेंस्ट। तो ये जब इस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है, ठीक है, फ्लो इस डायरेक्शन में है लेकिन बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, यहां से स्टार्ट किया उसने, और फिर उसके बाद एंड से उसने क्या किया, फिर रिटर्न हो रहा है और यहां पर हो रहा है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आ रहा है ठीक है, समझ में आया। फ्लो इस डायरेक्शन में है, बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके बाद एंडिंग पॉइंट से उसने फिर रिटर्न लिया, उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसको आने में कितना मिनट लगा, 12 मिनट लगा ठीक है, यानी ये आपका हो गया अप स्ट्रीम, और ये जो रिटर्न हो रहा है ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया ठीक है, क्योंकि जो मतलब ये फ्लो के डायरेक्शन में आएगा तो वो तो विपरीत तो होगा नहीं, टूवर्ड्स द फ्लो होगा, तो ये डाउन स्ट्रीम होगा ठीक है, और ये अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का स्पीड है आई मीन 6 किलोमीटर 15 मिनट ठीक है, और 12 मिनट यहाँ पर दिया है, और सेम पॉइंट है ठीक है, जब सेम पॉइंट है तो डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा, तो यहाँ पर भी 60 किलोमीटर होगा ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 किलोमीटर का है। अब क्या करेंगे, हम लोगों को करंट निकालना है ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। ओके गाइस, मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था स्पीड ऑफ द करंट कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ द करंट यानी फ्लो, ये जो फ्लो है इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2 ठीक है, और स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर भी मैंने बताया था उसमें, या इसको क्या करेंगे पहले 12 ठीक है, 60 से डिवाइड करेंगे माइनस 6 बाई, ये आपका डाउन स्ट्रीम है, ये 15 होगा ठीक है, अब इसको गाइस सॉल्व करेंगे, समझ में आया। हाँ गाइस, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, देखिए ये मैं यहाँ पर फिगर इरेज नहीं कर रही हूँ ठीक है, ध्यान से देखिए 6 बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 16 ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 6 बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 16 ठीक है, 6 3 0 ठीक है, 3 0 हो गया ठीक है, 6 के टेबल में ये 5 बार में आता है, यहाँ पर 5 हो जाएगा सॉरी, और ये हो जाएगा 5 ठीक है, और ये 204 यहाँ पर 30 माइनस 24 ये डिवाइडेड बाय 2 था, डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा आपका 6 बाई 2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। आओ ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, यानी यहाँ पर मिनट को कन्वर्ट करना था आर में। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आके पूछ सकते हैं, और गाइज अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।